हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगेन वंस अगेन। दोस्तों, हम जब भी नहाने का विचार करते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हम जिस साबुन से नहा रहे हैं वह पूरी तरीके से नेचुरल है या फिर नहीं है, और इसी के साथ साथ इसमें कोई टॉक्सिन केमिकल्स तो नहीं मिलाए गए हैं, यह हमारी स्किन को ख़राब तो नहीं कर देगा। और दोस्तों, जब भी हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आयुर्वेदिक के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बिक रहे हैं जो बिल्कुल भी आयुर्वेदिक नहीं है, और उनमें धड़ल्ले से केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक साबुन के बारे में बात करने वाले हैं जो आयुर्वेदिक के नाम पे बिकता है और मेडिकली प्रूफन नाम से बिकता है, जिसका नाम है मेडिमिक्स साबुन। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मेडिमिक्स साबुन का पूरा रिव्यू, क्या यह पूरी तरीके से नेचुरल है, क्या इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और इसी के साथ साथ यह कितना हमें नुकसान कर सकता है और उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो यह 35-40 रुपीस का आपको मिल जाता है, जो कि 125 ग्राम की पैकिंग में आता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यह आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स में कितने केमिकल्स मिलाए गए हैं और कितना नेचुरल यह है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरीके से नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, और यह पूरी तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 से 3 केमिकल्स मिलाए गए हैं, जो कि परफ्यूम्स और कलर्स की शक्ल में मिलाए गए हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल पूरी तरीके से इसको नेचुरल तो नहीं बोल सकते, पर हाँ दोस्तों, मार्केट में मिलने वाले और साबुन से यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मैंने सबसे अच्छे साबुन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, अगर आपको वही वीडियो देखना है तो आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत सारे साबुन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे साबुन में 10 से 12 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, पर दोस्तों इसमें केवल 2 से 3 केमिकल्स ही मिलाए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसको हमें यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों, इसका जवाब यही है कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ मत कीजिए। अगर आपको कुछ दिनों तक इसको यूज़ करना है तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, मेडिमिक्स के बारे में यही थी पूरी जानकारी कि यह पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों, आपको यह साबुन कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको मेडिमिक्स साबुन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन बचता है, फिर कोई क्वेरी बचती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।